फाइनली दोस्तों ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में एक न्यू अपडेट आ चुका है, जिसमें कि जो लोग ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से अपने पैन कार्ड की डिटेल को डिलीट या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो वो अब कर सकते हैं। एकदम आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास में ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के दो अकाउंट है तो आप अपने पैन कार्ड को एक अकाउंट से अनलिंक करके दूसरे अकाउंट में कैसे लिंक करते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये रही वीडियो। इस वीडियो को आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो लोग अपने पैन कार्ड डिटेल को ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से हमेशा के लिए रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको ऊपर ऊपर आपका जो प्रोफाइल का आइकन होता है सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने नीचे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, मगर यहाँ पे आपको देखिए हेल्प एंड सपोर्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कई सारे सवाल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, मगर देखिए लास्ट में आपको नीचे हाउ डू आई अनलिंक पैन कार्ड ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव वेरीफाइड योर पैन कार्ड और हैव यूज इट और एनी अदर ड्रीम इलेवन अकाउंट यू कैन नॉट अनलिंक इट देयर आफ्टर। जिसका मतलब हिंदी में दोस्तों ये है कि जब आप अपने पैन कार्ड को एक बार ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से वेरीफाइड कर लेते हैं तो आप उसे अनलिंक नहीं कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आप अनलिंक कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए यहाँ पे देखिए आपको लाइक और अनलाइक का दो आइकन देखने के लिए मिल रहा होगा। सिंपली आपको अनलाइक का जो आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए एक रेज ए रिक्वेस्ट करके ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है जिसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रेज ए रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ चुका है, जिसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप अपने पैन कार्ड को हमेशा के लिए ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी होगी। सिंपली आपको रेज ए रिक्वेस्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये आपको आपके मोबाइल का जो ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर है उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। करने के बाद में नीचे यहाँ पे आपके सामने रेज ए रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं, मगर आपको नीचे आना है। और जब आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पैन बैंक एरर ये जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद में आपको नीचे आना है, देखिए इश्यू विद पैन कार्ड ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहले ही ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा चेंज और रिमूव पैन कार्ड, यानी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप जो लोग चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं और जो लोग रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव भी कर सकते हैं। सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में नीचे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डिस्क्रिप्शन का। सो यहाँ पे आपको फुल्ली डिटेल में डिस्क्राइब कर देना है कि सर अब मैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में और ज़्यादा नहीं खेलना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो पैन कार्ड की डिटेल है वो इसके अंदर रहे। सो मैं अपने पैन कार्ड की जो डिटेल है उसे हमेशा के लिए रिमूव करना चाहता हूँ। और ये जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है इंग्लिश में, वहाँ से जाकर के आप कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद में दोस्तों हमारा जो पैन कार्ड होता है उसका क्या करना है, हमें नीचे रखना है और अपने मोबाइल का जो बैक कैमरा होता है उसे ओपन करके पैन कार्ड की फ़ोटो को खींचना होगा, फ्रंट साइड की और बैक साइड की दोनों फ़ोटो को आपको खींच लेना है। खींचने के बाद में यहाँ पे देखिए अपलोड पैन का ऑप्शन है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले आपको फ्रंट साइड की अपलोड कर देना है, अपलोड करने के बाद में आपको बैक साइड की अपलोड कर देना है। करने के बाद में दोनों यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा और बस आपको सबमिट कर देना है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको 5 से 6 घंटे के अंदर एक ईमेल आएगा और उस ईमेल के अंदर आपकी जो रिक्वेस्ट आईडी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। और आपकी रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है अगर आप उसे पता करना चाहते हैं तो ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से पता कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हो सकता है सप्ताह भर या फिर 8 से 10 दिन का समय आपको लगेगा। इसके बाद में आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन की तरफ से कस्टमर केयर कॉल बैक आएगी। सो वहाँ पे आपको बता देना है कि सर मैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में और ज़्यादा नहीं खेलना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो पैन कार्ड की डिटेल है वो ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में सेव रहे, मैं उसे हमेशा के लिए रिमूव करना चाहता हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर ली जाएगी और उसके बाद में आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल है वो हमेशा के लिए आपके अकाउंट से डिलीट कर दी जाएगी
और इस तरह से दोस्तों जो लोग पैन कार्ड की डिटेल को हमेशा के लिए ड्रीम 11 एप्लीकेशन से रिमूव करना चाहते हैं तो एक नया तरीका मैंने आपको बता दिया है, जाइए जल्दी से रिमूव कर लीजिए। और वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, आई होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आती है कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये जानकारी औरों तक भी पहुंचे इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ में रिलेटिव के साथ में, ताकि वो भी ड्रीम 11 एप्लीकेशन से अपने पैन कार्ड की जो डिटेल है वो रिमूव कर सके। मगर अब दोस्तों जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पर सेट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।